हे गाइस, व्हाट्स अप। तो आज अपन आ गए लेक्चर नंबर 7 पे। लास्ट लेक्चर में अपन ने काफी कुछ पढ़ा था। मैंने सारे आपको कंपाउंड्स के नेमिंग बताई थी और अपन ने डीयू निकालना सीखा था, शॉर्ट ट्रिक से सीखा था। तो आई होप सभी को समझ आया होगा। मैं बार बार कह रही हूँ, जो मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताए हैं उनको अच्छे से लर्न कर लेना। रोजाना थोड़े थोड़े लर्न करो लेकिन कर लेना, वरना बाद में बहुत प्रॉब्लम आने वाली। तो मैं हूँ चार्वी, आप आ गए हो मेरे चैनल रेडिएशंस पर। आज लेक्चर नंबर 7। तो चले शुरू करते हैं। नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। लेक्चर नंबर 7, स्पायरो एंड ब्रिज हेड कंपाउंड्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्या क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हेडिंग डालो ब्रिज हेड कंपाउंड्स। ब्रिज हेड कंपाउंड्स, आई होप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे आराम से बता सकते हो, और अगर और कोई भी वीडियो चाहिए हो तो ऑफकोर्स मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं ब्रिज हेड कंपाउंड से। ब्रिज हेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी एक सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन होती है कि दीज आर द कंपाउंड्स having three chains between two atoms, having three chains between two atoms। bridge head compounds क्या होते हैं? ये एक ऐसे compounds होते हैं जो दो atom के बीच में तीन chain बनाते हैं। देखो for example कैसे, ये अपन ने एक six कार्बन आटम की रिंग बना दी, और मैंने क्या किया, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में एक कार्बन यहाँ पर और लगा दिया और जोड़ दिया। तो क्या हो गया, देखो ये दोनों कार्बन है, तो इन दोनों कार्बन में ये फर्स्ट चेन हो गई, ये सेकंड चेन हो गई, ये थर्ड चेन हो गई। तो ब्रिज हेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो दो कार्बन के बीच में अगर तीन एटम्स हो तो वो ब्रिज हेड कंपाउंड्स होते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने आपका एग्जांपल ले लिया ये, तो ये भी आपका ब्रिज हेड कंपाउंड हो गया है ना। तो ब्रिज हेड कंपाउंड यही होता है। तो चलो ये हो गया आपका ब्रिज हेड कंपाउंड के बारे में। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे स्पायरो कंपाउंड्स। तो ये था अपना ब्रिज हेड कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट आता है सेकंड स्पायरो कंपाउंड्स। कि स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं कि एक एटम के बीच में अगर दो रिंग बन रही हो तो वो हो जाएंगे आपके स्पायरो कंपाउंड्स। कैसे, मान लो ये और ये कार्बन एटम है, तो ये फर्स्ट रिंग हो गई, ये क्या हो गई, ये सेकंड रिंग हो गई। तो स्पायरो कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कंपाउंड्स हैविंग वन कॉमन एटम। क्या हो जाएगा ये, कंपाउंड्स हैविंग वन कॉमन एटम, कम बिटवीन कंपाउंड्स हैविंग वन कॉमन एटम बिटवीन टू रिंग्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, स्पायरो कंपाउंड हो जाता है। या फिर अपन क्या कर सकते, देखो जैसे ये है, ये कंपाउंड है, और मैंने है ना इसके आगे एक और ऐसा बना दिया, तो एक एटम के बीच में अगर ऐसी साइड में दो रिंग्स बन रही है तो वो कौन से हो जाएंगे, स्पायरो कंपाउंड हो जाएंगे। अब ये जानना बहुत जरूरी है, मेरे को अभी भी याद है मैंने जब जेई मेंस लिया था तो उसके अंदर एक मार्च द फॉलोइंग आया था। मेरी जब मैंने पेपर में दो अटेम्प्ट होते थे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था, तो इसके अंदर क्या हुआ था, ऐसे चार ऑप्शन दे दी थी और यहाँ पे ना नेमिंग दे दी थी और ऐसे स्ट्रक्चर बना रखे थे, और वहाँ पे स्पायरो कंपाउंड्स था, ब्रिज है, तो पता नहीं बहुत सारे थे। तो यह आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि इनको स्पायरो कंपाउंड्स बोलते तो आप इस चीज़ को गलत कर लोगे। तो ये जो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत काम की होती है, क्योंकि मेंस तो यहीं से क्वेश्चंस उठाता है, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं है ना। तो ये बस ये दो है, ब्रिज हेड कंपाउंड्स और स्पायरो कंपाउंड्स, ये आपको ध्यान में रखने हैं।
तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक। अब अपन आयुर्वेद नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजे आने वाले आयुर्वेद के अंदर, और ये काफी लंबा चलेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह हैं, तो सबको बारीकी से अपन को करना पड़ेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। आई होप सबने इसको कॉपी कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज आयुर्वेद नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आयुर्वेद नोमेनक्लेचर, आयुर्वेद नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले अपन जनरल फॉर्मूला लिखते हैं कि जनरल फॉर्मूला अपन कैसे उसको डिफाइन कर पाएंगे, कैसे अपन को क्या चीज आगे रखनी है। तो सबसे पहले लिखो जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब लिखते जाओ मेरे साथ। सबसे पहला आता है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर आता है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। अभी क्या क्या होते हैं मैं आपको सब बताऊंगी। फिर आता है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आता है आपका वर्ड रूट, वर्ड रूट। सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गई, प्राइमरी प्रीफिक्स हो गई, वर्ड रूट हो गया। फिर आता है आपका प्राइमरी सफिक्स, ये तो है ना। अभी ऐसी चीज है ना, देखो मतलब इसको इतना याद रखना जरूरी है, एक बार नेमिंग करना आ गई ना तो बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ, बहुत इजी हो जाएगा। ये प्राइमरी सफिक्स और प्लस अपन लिखेंगे इसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ यहाँ पे चीज प्रेजेंट ना हो, है ना। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू सब बताऊंगी ये क्या होता है सेकेंडरी प्राइमरी, मैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो ये अपन ने ऐसे एक बार जनरल फॉर्मूला लिख लिया कि अपन आयुर्वेद नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब एक दो पॉइंट्स हैं वो आपको लिखना बहुत जरूरी है, काफी काम आएंगे। तो लिखिए इन प्राइमरी प्रीफिक्स वर्ड साइक्लो इज यूज्ड if main chain is cyclic। prefix suffix तो सबको पता होता है ना क्या होता है, prefix मतलब पहले, suffix मतलब बाद में, तो ये वही चीजें होती है ना। primary prefix अपन use करेंगे उसमें word cyclo use करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स में वर्ड साइक्लो यूज करेंगे अगर अपने पास कोई रिंग है, कोई साइकिल वाली चेन है, राइट। फिर आता है वर्ड रूट, सेकंड पॉइंट आ जाएगा आपका वर्ड रूट के बारे में। तो वर्ड रूट बेसिकली क्या होता है कि अपन को ये पता पड़ना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन आटम्स कितने हैं मेन चेन के अंदर। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन आटम्स इन मेन चेन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन।
चेन बोल दो, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मतलब सबसे बड़ी वाली चेन। थर्ड पॉइंट आपका आता है प्राइमरी सफिक्स। क्या होता है प्राइमरी सफिक्स? यहाँ पर ने प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा था, ये है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स अपना होता है कि जो अपनी चेन है तो वो कौन से स्टेट में है, वो सैचुरेशन स्टेट में या अनसैचुरेशन स्टेट में। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सैचुरेशन और अनसैचुरेशन क्या होता है। सैचुरेशन मतलब सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो आपकी जो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगी वो बताएगी स्टेट ऑफ सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। स्टेट ऑफ सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। आई होप सभी ने इसको कॉपी कर लिया होगा फॉर्मूला को। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। सेकेंडरी सफिक्स के बारे में तो सेकेंडरी सफिक्स कौन सा हो जाएगा कि आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अपन सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे। तो अपन क्या लिख देंगे, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स में अपन क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप मेन वाला जरूर वहां पे मतलब हो सकता है कि आपका अल्कोहल भी जुड़ा हो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी जुड़ा हो। अगर आपको अच्छे से याद हो तो जो मैंने फंक्शनल ग्रुप बताया था तो उसके अंदर मैंने आपको वो टेबल बनवाई थी, वो प्रायोरिटी टेबल मैंने आपको बताई थी कि पहले अपन कार्बोक्सिलिक एसिड को देते हैं, फिर अपन सल्फोनिक एसिड को देते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सी हो जाएगी, प्रिंसिपल वाली। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दो प्रिंसिपल। स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं यार, प्रिंसिपल यार, यू क्या करती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल की स्पेलिंग शायद यही होती है ना, PL ही होती है, PL होती है, वो तुम देखते रहना। चलो ठीक है, इसको सबने कॉपी कर लिया, नहीं किया होगा वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो और आगे बढ़ो। फिर आता है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स ये था प्राइमरी प्रीफिक्स, अब आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होता है, एक तो अपने पास आ जाता है जूनियर फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैंने आपको बताया अगर अल्कोहल होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो अपन कार्बोक्सिलिक एसिड को मेन चेन में रखेंगे और सेकेंडरी प्रीफिक्स को अपन क्या करेंगे, मतलब सॉरी जो अगर अल्कोहल होगा उसको अपन सेकेंडरी प्रीफिक्स में रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जूनियर फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। जूनियर फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके साथ ही हाइड्रोकार्बन ग्रुप भी आता है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप। और अपन एक और इसके अंदर ऐड करते हैं, वो होता है परमानेंट सब्स्टिट्यूएंट। परमानेंट सब्स्टिट्यूएंट, अभी ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है ना, अभी सब मैम आपको अच्छे से समझाएगी। परमानेंट, थोड़ा यार लेफ्ट हैंड से लिखेंगे तो ऐसा ही होगा, है ना, परमानेंट सब्स्टिट्यूएंट, SUBSTITUENT, परमानेंट सब्स्टिट्यूएंट। चलो तो ये सारी चीजें हो गई, ये छोटी मोटी चीजें, ये छोटी छोटी टर्म्स है जो आपको पता रखनी होगी कि किसके अंदर क्या होता है। आया सबको समझ आया, ठीक है। चलो तो
अभी अपन इसको यूज करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे कैसे कब यूज किया जाता है। आई होप सभी ने इसको कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया तो फटाफट कॉपी करो। और नेक्स्ट डालो वर्ड रूट, नेक्स्ट डालो वर्ड रूट, छोटा सा इसमें वर्ड रूट क्या होते हैं। अभी तक तो मैंने आपको बता दिया कि वर्ड रूट मतलब होता है कि अपन को टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स देखने होते हैं एक मेन चेन के अंदर, लेकिन उसकी नेमिंग भी तो पता होनी चाहिए कि वन होगा तो क्या होगा, टू होगा तो क्या होगा। तो सभी मेरे साथ टेबल बनाएंगे, यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, पहले वर्ड रूट लिख दो, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। और नेक्स्ट वाले में आप लिख दो वर्ड रूट, नेक्स्ट वाले में लिख दो वर्ड रूट, अगर आपकी एक ही है ठीक है। तो अपन इसको लिखते हैं मिथ, M-E-T-H, मिथ। अगर आपके पास दो है तो अपन लिखेंगे इथ, ठीक है। अगर आपके पास तीन है तो अपन लिखेंगे फ्रॉग, अगर चार है तो लिखेंगे ब्लू, अगर पांच है तो लिखेंगे पैंट, अगर छह है तो लिखेंगे हैप, अगर सेवेंथ है तो लिखेंगे सेट। ठीक है, अगर एट होगा तो लिखेंगे ऑप्ट, एट होगा तो लिखेंगे ऑप्ट, नाइन्थ होगा तो नॉन, नाइन होगा तो नॉन, टेन होगा तो डेक, टेन होगा तो डेक, जैसे डेकिंग ऐसे हो जाएगा। इलेवन होगा तो अनडेक, इलेवन अनडेक, ट्वेल्व हो जाएगा आपका डोडेक, थर्टीन आपका हो जाएगा ट्राइडेक। सब इसको कॉपी कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हो तो देख लेना। फोर्थ हो जाएगा आपका टेट्राडेक, सॉरी 14 तक का हो जाएगा टेट्राडेक, और 15 आपका हो जाएगा पेंटाडेक। 15 तक याद करो बहुत है, उसके आगे आने भी नहीं वाले। 15 तक का हो जाएगा पेंटाडेक। तो ये वर्ड रूट्स होते हैं। अगर आपके पास चार कार्बन चेन हो गई, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3 हो गया, चार हैं आपके पास, तो वो क्या हो जाएगा ब्यूट। और उसके अंदर मतलब जैसे सिंपल एल्केन की चेन है तो ब्यूटेन। अभी मैं बताऊंगी कैसे लिखते हैं, इनको कॉपी करो। हो गया कॉपी, सबका हो गया कॉपी। नेक्स्ट लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट आ गया ना सबको समझ। अब देखेंगे प्राइमरी सफिक्स, देखो फर्स्ट ओनली सिंगल बॉन्ड, तो वो हो जाएगा आपका एन, ओनली सिंगल बॉन्ड तो वो हो जाएगा आपका एन। अगर एक डबल बॉन्ड आ जाए, वन डबल बॉन्ड,
एक डबल बॉन्ड हो जाए तो वो हो जाएगा ईन। थर्ड, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो हो जाएगा आपका आइन। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो बस ये वही सारी चीजें। अगर दो डबल बॉन्ड आ जाए, नंबर फोर्थ, टू डबल बॉन्ड, तो आपका हो जाएगा डाईईन। डाईईन अगर दो ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो हो जाएगा आपका ट्राई, सॉरी डाई आई। और एक और होता है एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, वन डबल बॉन्ड प्लस वन ट्रिपल बॉन्ड, वो हो जाता है आपका एन आई। एन आई ठीक है। प्राइमरी सफिक्स समझ आ गया सबको, एन, ईन, आइन, डाई आइन, डाई और एन आई। तो ये सारी चीजें हो गई, ये आ गया सबको समझ में प्राइमरी सफिक्स। अब लिखेंगे सभी सेकेंडरी सफिक्स। क्या लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स? इसमें भी एक टेबल बनानी है अपन। देखो यहाँ पे कोई चीजें समझाने की नहीं, इसलिए मैं कुछ समझा नहीं रही हूँ। ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, सारी चीजें याद होनी चाहिए, है ना? तो मैं इसमें आपको क्या समझाऊँ, अपने को पता है कि अगर एल्केन है तो एन आएगा, ईन आएगा, डबल बॉन्ड है ना? तो इसमें कोई भी चीज समझाने की नहीं है। अभी भी मैं टेबल बनवाऊंगी, वो आपको याद करनी पड़ेगी। याद तो मैं ऐसे तो करवा नहीं सकती, एक एक बच्चे को सब सबको खुद को याद करनी पड़ेगी कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। अगर चार आ गए तो म्यूट होता है, अगर पांच आ गए तो पेंट होता है, छह आ गए तो हेक्स होता है। और तुम अगर इसको बार बार करते रहोगे ना तो तुमको अपने आप याद होने लग जाएगी। तो ऐसा नहीं कि उसको रट्टा मारना है, रट्टा तो मारना ही नहीं है, उसको अच्छे से लर्न करना है। क्वेश्चंस करोगे बार बार, अपने आप याद होगा, अपने आप। और फिर तुम ऐसे चुटकियों में सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चंस। चलो मैंने तुम सबको एक लिखवाया था सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, किसी को याद हो तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, बस ये वो याद है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है। यहाँ पे हो जाएगा उसकी नेमिंग, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और उधर हो जाएगी उसकी नेमिंग। नेमिंग बोल दो या फिर आप बोल दो कि इसका प्रीफिक्स हो जाएगा, कि अगर ये आ गए तो अपन इसको कैसे लिखेंगे। यही होते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो ये हो जाएगा आपका एक एफ सी एल बी आर आई, फिर हो जाएगा NO2, CH3, ठीक है, फिर हो जाएगा CH2, CH3, ये हो जाएगा CH2, CH3, ये हो जाएगा OCH3, और लास्ट आपके पास हो जाएगा OC2H5, OC2H5, आई होप ये लास्ट वाला सभी को दिख रहा होगा। OC2H5। और एक और आता है NO, आता है NO भी आता है यार। चलो इसका NO भी आपको पढ़ेगी। NO NO नहीं है ये, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है NO। तो मान लो कभी आपको क्या हुआ कि ये जो ये सारे हैं है ना, कोई चेन में अगर आपको दिख गए तो आप इनको कैसे लिखोगे उस नेमिंग के अंदर, उस आयुपेक नेमिंग के अंदर? उनके नाम मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगी। अगर आपके पास एनओ आ जाता है तो आप वहां पे लिखोगे नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, राइट?
अगर एफ आ जाता है तो आप लिखोगे फ्लोरो फ्लोरो, अगर सी एल आ जाता है तो आप लिखेंगे क्लोरो, अगर बी आर आ जाता है तो यू राइट ब्रोमो, अगर आई आ जाता है तो ये हो जाएगा आयरो। तो अपन क्या करेंगे, देखो नाइट्रोसो हो गया, फ्लोरो हो गया, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आयोडो हो गया, फिर जैसे एनओ टू आ गया, तो यहाँ पे एनओ में अपन ने लिखा था नाइट्रोसो, तो एनओ टू में अपना सिंपली आ जाएगा नाइट्रो, क्या आ जाएगा नाइट्रो। अगर सी एच थ्री है, एक कार्बन अपन मिथ यूज करते हैं, तो ये आ जाएगा मिथाइल, ये आ जाएगा मिथाइल, ऐसे अगर दो कार्बन आ गए तो ये आ जाएगा इथाइल, अगर तीन आ जाते तो क्या आ जाता प्रोपाइल, चार आ जाते तो ब्यूटाइल, फिर ओ सी एच थ्री, ओ सी एच थ्री एक कार्बन है तो ये आ जाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और यहाँ पे ये दो कार्बन है तो यहाँ आ जाएगा इथॉक्सी, क्या आ जाएगा इथॉक्सी। तो आया सबको समझ, ऐसे अपन को लिखना है। अगर मान लो एफ आ गया, अभी मैं बताऊंगी एग्जांपल के साथ कि कब कैसे क्या यूज होगा, लेकिन ये सारे आपको नाम याद होने चाहिए, ऐसा नहीं है एनओ टू में तुम नाइट्रोसो लिख रहे हो और एनओ में आप नाइट्रो लिख रहे हो, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं अपनी इसके बारे में कि आयुपैक के अंदर अपन कैसे कैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स और सारी चीजें यूज करते हैं। तो अब अपन हेडिंग डाल देते हैं नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। कैसे क्या करेंगे, अपन को कब क्या करना होगा, तो मैं आपको कुछ रूल्स लिखवा देती हूँ, कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर्स लिखवा देती हूँ, ऐसे तो मैम को भी याद नहीं रहते, तो थोड़ा सा यूज करना पड़ता है कॉपी वगैरह, राइट। तो चलो शुरू करते हैं, सबसे पहले आ जाता है अपना नेमिंग ऑफ एल्केन, आ जाता है नेमिंग ऑफ नेमिंग ऑफ एल्केन में अपन लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स, प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स। अब मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होती है, वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होती है, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ एल्केन में सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस आपका हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स प्राइमरी सफिक्स। अब अपन इसके बाद लिखेंगे, जैसे एल्केन की नेमिंग ऐसे होगी, फिर उसके बाद लिखेंगे रूल ऑफ नंबरिंग, रूल ऑफ नंबरिंग, नंबर डालते ना अपन, कौन सा हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर पहले आएगा, वन टू थ्री, टेंथ में थोड़ा बहुत सीखा होगा, हाँ तो बस ये वही है रूल ऑफ नंबरिंग। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमेशा आएगा, वर्ड रूट हमेशा आएगा, प्राइमरी सफिक्स में अपन को देखना होगा कि वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या चीज है वो अपन को इसमें देखना होगा। अब रूल ऑफ नंबरिंग में सबसे पहले आ जाता है लोएस्ट लोकेंट टू द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, लोएस्ट लोकेंट टू द
मिनट, लोएस्ट लोकेंट टू द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, लोकेंट मतलब लोकेशन, ठीक है। तो सब रूल ऑफ नंबरिंग में सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा कि जहाँ पे अपने को सिर्फ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, तो अपन को वहां से क्या करनी है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अब उसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर नेक्स्ट आपका आता है प्रायोरिटी ऑर्डर, ये ग्रेटर देन वाला साइन है यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट फॉर ऑल सब्स्टिट्यूएंट, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट टू ऑल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। वो जगह ही अगर तुम थोड़ा समझ लेना, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट टू ऑल सब्स्टिट्यूएंट। और लास्ट में आपका आ जाता है एल्फाबेटिकल ऑर्डर, एल्फाबेटिकल ऑर्डर। अभी मैं सब लिखवा रही हूँ, अब मैं समझाऊंगी कि होता क्या है ना एल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो ये आ रही है आपको बात समझ में, कब कैसे क्या होगा। अब आता है रूल ऑफ मेन चेन सिलेक्शन कि अपन उसको कैसे करते हैं। रूल ऑफ मेन चेन सिलेक्शन, नाम
डबल बॉन्ड दिख रहा है ना ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब ये एल्केन वाली फॉर्मेशन में। अब दो कार्बन है, पेज पलटो देखो, दो कार्बन के लिए क्या यूज करते थे, इथ यूज करते थे। तो सबसे पहले तो अपन लिख देंगे यहाँ पर इथ, और एल्केन है ना मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा इथेन, क्या हो जाएगा इथेन। नंबर थर्ड, चलो मैं है ना अब तीन कार्बन ले रही थी, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट ही फर्स्ट लेक्चर में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो बस अब मैंने इसको ऐसे ही बनाना है, ये इतना अब लिख के ना टाइम वेस्ट ना आपको करना है ना मैं करूंगी। चलो तो इसका मतलब साफ पता है कि ये कितने कार्बन की चेन है, तीन कार्बन की चेन है। तीन कार्बन मतलब क्या होता है प्रो, क्या आपको इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन। अब मैंने चार कार्बन की ले ली, चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और इसके आगे आ जाएगा ब्यूट एन, तो ये हो जाएगा ब्यूट एन। नंबर फिफ्थ, पांच कार्बन की चेन ले लो, 1 2 3 4 5, पांच में बोलते हैं पेन, और आगे क्या आ जाएगा एन, तो ये क्या हो जाएगा पेन टेन। आया सबको समझ, तो ये आपने थे बहुत ही बेसिक से पांच एग्जांपल, ठीक है बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5 पांच कार्बन है, जैसे वो टेबल में लिखा था वर्ड रूट वाली वैसे अपन ने यहाँ पर लिख दिया। ये सबको समझ आ गया, तो अब अपन कोई नए एग्जांपल दे रहे हैं। मैंने है ना यहाँ पर एक CH3 और लगा दी, मतलब ये कैसा है, यहाँ C है, यहाँ पर CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पे भी CH3 है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब अगर मैं यूं सिर्फ ये लिखती तो ये तो हो जाता प्रोपेन, लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट और लगा दिया है। देखो सब्स्टिट्यूएंट मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी चेन के अंदर कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, कोई आपका इसे FCLBR जो मैंने आपको टेबल लिखवाई थी वो जुड़ा हुआ हो, तो सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो कि मेन चेन में कितने कार्बन, यू अपन को टोटल चार कार्बन दिख रहे हैं 1 2 3 4, लेकिन मेन चेन क्या होती है, सबसे बड़ी वाली चेन, बड़ी वाली चेन मतलब जिसके अंदर ज्यादा कार्बन है। अगर अपन ऐसे चले 1 2 3 तो अपने पास तीन कार्बन आ रहे हैं। चलो किसी का मन हुआ कि नहीं मान मेरे को तो है ना ऐसे चल रहा है 1 2 3 इसमें भी तीन कार्बन आ रहे हैं, किसी ने बोला नहीं मेरे को तो ऐसे चल रहा है 1 2 3, तो हर तरीके से देखोगे तो आपको तीन कार्बन की ही सबसे लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है, मतलब या तो आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। आगे कुछ एग्जांपल्स आएंगे, किसी में आप कुछ करोगे तो कहीं पे चार आ जाएगी चेन, कहीं पे तीन ही आएगी, तो आपको चार वाली चूज करनी पड़ेगी। तो आपको हर एक पैटर्न में देखना होगा कि किस में आपकी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। तो चलो मैंने क्या किया कि 1 2 3 ये ऐसे मैंने नंबरिंग कर दी सबसे पहले। अब आप देखोगे जो ये मेरा सेकंड कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन, इस सेकंड कार्बन पे एक CH3 ऊपर और लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है एक CH3 मेरा यहाँ पर लगा हुआ है। अब जब अपने पास एक CH3 लगा हुआ होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। देखो पेज पलट के मैंने आपको बताया था क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। और ये कौन से वाले कार्बन पे लग रहा है, इस सेकंड वाले कार्बन पे लग रहा है। तो क्या अगर अपन इसको बोल देते मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम अपने पास कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, कितने कार्बन है तीन, तो मिथाइल प्रोपेन। अब मिथाइल प्रोपेन अगर बोल देते तो वो मिथाइल तो फर्स्ट पोजिशन, सेकेंड पोजिशन, थर्ड पोजिशन कहीं पर भी हो सकता था, लेकिन ये अब अपन को कैसे पता पड़ेगा कि वो कौन सी पोजीशन, मतलब मिथाइल प्रोपेन तो गलत हो जाएगा ना अगर अपन उसको सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे टू, मतलब
देखो जिस भी कार्बन पे जो आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ होता है तो अपन उसको पहले नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग में अपन ने देखा सेकंड वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सेकंड कार्बन में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर ये डैश लगाएंगे। ये डैश लगाना बहुत जरूरी है, अगर जिसने इस डैश को नहीं लगाया ना उसका नंबर कटेगा जब तुम्हारा तुम रिटर्न पेपर दोगे। जेई नीट में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पे ABCD ऑप्शंस होते हैं और वहाँ पे हम हर जगह डैश लगा हुआ होता है, बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन तुम्हारे 11th में जब IUPAC नेमिंग आएगी, 12th में भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं अल्कोहल सीकर्स वगैरह, उसमें भी IUPAC नेमिंग आती है। ये डैश कहीं कॉमा भी बताओ कॉमा किधर लगा वो नहीं लगाए ना तो तुम्हारे नंबर कटेंगे। तो ये 2 के बाद आपको डैश लगाना होगा, कोई और नंबर होगा तो उसके बाद भी आपको डैश लगाना होगा। तो 2 फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका CH3 का, तो अपन लिख सकते हैं 2 मिथाइल, ठीक है। और अपन को कोई सब्स्टिट्यूएंट तो दिख नहीं रहा है तो अपन कुछ नहीं लिखेंगे। और मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है तो अपन लिख देंगे प्रोपेन। एज सिंपल एज दैट, 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 क्यों, क्योंकि सेकंड वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अपन ने मिथाइल लिख दिया सबसे पहले, और फिर क्या लिख दिया अपन ने प्रोपेन लिख दिया। क्या लिख दिया, प्रोपेन लिख दिया। नेक्स्ट वाला एग्जांपल अब आप करोगे, 5 हो जाएगा नंबर और ये 6 हो जाएगा। अब नंबर 7, अब मैंने क्या किया कि देखो मैंने 4 कार्बन की चेन ले ली और उसके मैंने इस वाले कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। सबसे पहले हम अपन नंबरिंग करेंगे। अब ये देखना कि यहाँ पे नंबरिंग होती कैसे, अपन को क्या होना चाहिए कि जो आपका अपना सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है वो सबसे कम नंबर पे आना चाहिए, मतलब जितना हो सके वो कम नंबर पे आना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 1, ये 2, ये 3 और ये 4 ऐसे नंबरिंग करके देख लेती हूँ। लेकिन कोई बोले नहीं मैम मेरे को तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, तो देखो अगर 1, 2, 3 और 4 अगर आप यहाँ से 1 स्टार्ट करोगे तो आपका जो ग्रुप है ये मिथाइल जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो 3rd नंबर पे आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपका ये सब्स्टिट्यूएंट 2nd नंबर पे आएगा। ये आई आपको बात समझ में, इसलिए मैं बता रही थी कि जहाँ पे ये छोटा वाला होगा सॉरी ये छोटा नंबर होना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट पे वो अपन को लेना होगा। कोई बोले नहीं मैम मैं तो क्या करता हूँ यहाँ से इस वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट, मैंने बोला ठीक है कर लो 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस सेकेंड वाले कार्बन के ऊपर आपका क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। तो यहाँ ये वाली नंबरिंग करो या ये वाली नंबरिंग करो बात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो आपका आंसर टोटली गलत हो जाएगा, आपको 0 नंबर मिलेगा। और अगर जेई में आ गया तो -1 और ले के जाओगे। आया समझ, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 और 4। अब सेकंड वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 2 फिर डैश फिर मिथाइल। अब मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ये आया समझ में, चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। चलो अब मैंने क्या किया कि इस वाले कार्बन पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया और इस वाले कार्बन पे भी मैंने क्या किया एक सब्स्टिट्यूएंट और लगा दिया। तो अपन हम नंबरिंग करके देखेंगे, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो ये 2 नंबर पे आएगा और यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो ये वाली चीज 3 नंबर पे आएगी। तो 2 ज्यादा प्रेफरेबल होना चाहिए, राइट। तो अपन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो अपन देख सकते हैं कि जो अपने सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 नंबर पे और 4 नंबर पे आ रहे हैं। एक बार अपन क्या करते हैं, एक बार अपन उधर से भी स्टार्ट करके देख लेते हैं। ये आएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहाँ पे आ रहे हैं 2 और 4।
4 पे और यहाँ पे आ रहे हैं 3 और 5 पे। अच्छा कौन सा होगा, 2 और 4 वाला होगा, क्यों? क्योंकि ये कम नंबर वाला आ रहा है, ये ज्यादा नंबर वाला आ रहा है ना। तो ये ऊपर वाला सही हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन को सब्स्टिट्यूएंट हमेशा जितना हो सके उतना कम नंबर पे ही लेना है। ये 2 और ये 4 हो गया। अब अपन क्या करेंगे कि अपने पास मेन चेन में 6 कार्बन है, ये अपन को पहली चीज पता पड़ गई। सेकेंड नंबर और फोर्थ नंबर पे अपना सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है ना। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो अपन डाई इन लिखते थे, तो वैसे ही अगर 2 मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे तो अपन उसको क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पर सिंपल डाई मिथाइल और हेक्सेन लिख दूं तो ये तो मेरे को पता ही नहीं पड़ेगा कि मिथाइल कौन कौन से नंबर पे प्रेजेंट है, राइट? तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले अपन को 2 लिखना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे और 2 और लिख देंगे डाई मिथाइल और ये आपका हेक्सेन, ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना। डाटू फिर मिथाइल, ये तो कुछ ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपन को क्या करना है कि अगर ज्यादा आपके पास सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए होते हैं और एक ही जैसे सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए होते हैं, दोनों CH3 CH3 है, तो अपन लिखेंगे 2 फिर कॉमा और फिर 4। क्या लिखेंगे? 2 फिर कॉमा, फिर ये कॉमा लगाना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे इससे डैश लगाना बहुत जरूरी है, वैसे यहाँ पे कॉमा लगाना बहुत जरूरी। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये और ये ग्रुप अभी सेम है। यहाँ पे अगर मैं कुछ और लगा देती तो फिर अपन 2 का और 4 नहीं लिखते, क्योंकि ये वाला और ये वाला ग्रुप अलग हो जाता। ये दोनों में फाइनल, इसलिए मैंने 2 का और 4 लिखा है। आया समझ में कि 2 का और 4 क्यों लिखा है? क्योंकि अपन को यहाँ पे 2 मिथाइल है तो अपन को डाई मिथाइल यूज करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया जब आपका नंबर पूरा होता है तो अपन को क्या लगाना होता है, अपन को डैश लगाना होता है। ये 10th में तुम सब सीख कर आए हो, ध्यान रखना इस बात को। 2, 4 अब डाई मिथाइल लिख देंगे, डाई मिथाइल, और ये आपके पास मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो आप क्या लिखोगे, हेक्सेन। क्या लिखोगे? हेक्सेन। 2, 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। आया सबको समझ कि इसको कैसे करेंगे? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, यस इन द चैट बॉक्स, 2, 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। मैं आपको इतने सारे एग्जांपल्स करवा दूंगी कि यह आपका बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इतने सारे करवा दूंगी और एक एक बहुत अच्छे से समझाऊंगी। चलो अब मैं क्या करती हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, यहाँ पे तो मैं CH3 रहने देती हूँ और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ऐसे कर देती हूँ कुछ। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, सबसे पहले नंबरिंग करके सब देखेंगे, चिंता मत करो। ये वाला जो ग्रुप है, मान लो अभी तक तुम्हारी सबसे पहले नजर क्या हुई इस ग्रुप पे पड़ी कि अरे यार ये वाला और ये वाला तो क्या है, दोनों अलग अलग है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर किसी को नहीं आता है ना तो लेक्चर नंबर 1 जाके देख लेना, वरना इसमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। क्या होता है तुमको समझ नहीं आया, ये और ये, इसका मतलब तो हो गया यहाँ पर 2 कार्बन है। क्या है यहाँ पे? 2 कार्बन है। और मैंने आपको बताया था CH3 CH3 अगर जुड़ा हुआ होता है तो वो किस कैटेगरी में आता है, वो इथाइल की कैटेगरी में आता है, इथाइल की कैटेगरी में आता है। ये क्या हो जाता है, ये मिथाइल हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे 2, 4 अपन डाई मिथाइल लिख सकते हैं? नहीं, वो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक इथाइल है और दूसरा क्या है, दूसरा मिथाइल है। अब कुछ बच्चों के मन में आ सकता है कि मैम हमने यहाँ पे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे नंबरिंग अपन कर रहे हैं, मैम मैं तो क्या करूंगा, मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा। मैंने बोला कर लू 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपको क्या दिख रहा है, इथाइल दिख रहा है, और यहाँ पे आपको फिफ्थ नंबर पे क्या दिख रहा है, मिथाइल दिख रहा है। भैया यहाँ पे तो सेकंड और फोर्थ पे ही दिख रहा है, तो क्या अपन इसको यूज करेंगे क्या?
नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो नंबर ही ज्यादा हो रहे हैं, ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए अपन इसी को ही यूज करेंगे। आया सबको समझ? इसने हमेशा ना हर बार ट्राई सारे से करके देखो कि यहाँ से स्टार्ट करूँ कि यहाँ से करूँ कि यहाँ से करूँ, जो नंबर कम आ रहा हो वही अपन लेंगे, बाकी सारे केसेस क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें क्या होता है देखो, मैंने आपको एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर बताया था, एक प्रायोरिटी जब मैंने आपको लिखी थी, जरा पेज पलट के देखो, मैंने आपको लिखवाया था रूल ऑफ नंबरिंग के अंदर कि सबसे पहले अपन को लोएस्ट लोकेंड चूज करना होता है, फिर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड चूज करना होता है, और उसके बाद अपन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज करना होता है ना। अब अल्फाबेटिक क्योंकि यहाँ पे सब चीजें सेम है, जो ऊपर से किया आ रहा है वो यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे अपन को पता है टू पे क्या जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा है, और यहाँ पे फोर पे क्या जुड़ा है, इथाइल जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? इथाइल। इथाइल क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे तो मिथाइल पहले आएगा कि इथाइल पहले आएगा, बताओ मुझे? इथाइल पहले आएगा ना, मतलब ई से स्टार्ट हो रहा है तो वो पहले आएगा। तो बस यहाँ पे यही चीज को ध्यान में रखना है, यहाँ पे अपन लिखेंगे पहले, क्योंकि फोर्थ नंबर पे इथाइल है तो अपन लिखेंगे फोर इथाइल। क्या लिखेंगे? फोर इथाइल, फोर इथाइल। उसके बाद टू नंबर पे मिथाइल है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर हो तो आपको क्या लगाना जरूरी है, डैश लगाना जरूरी है, डैश लगाना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारा नंबर कटेगा जब तुम रिटर्न पेपर में लिखोगे, नंबर कटेगा। मैं कह रही हूँ नंबर कटेगा। चल, एनसीईआरटी के अंदर 11 नंबर का चैप्टर है, सॉरी क्लास 11 के एनसीईआरटी में पार्ट बी में, जो सेकेंड बुक है तुम्हारी, 11th नंबर का चैप्टर है, उसके अंदर ही नेमिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो करना, नहीं तो मैं आपको खुद करवाऊंगी एनसीईआरटी के, ठीक है। अब ये करते हैं, फोर इथाइल, फोर पे क्यों किया? क्योंकि ई पहले आ रहा था इसलिए अपन ने फोर लिया। यहाँ पे कॉमा क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दूसरे नंबर पर मिथाइल है और चौथे नंबर पे इथाइल है। फोर इथाइल, टू, टू के यहाँ पे दोनों साइड डैश, यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा है ये एग्जाम्पल में? कि यहाँ पे आगे अपन और कुछ नहीं लिख रहे, इसलिए अपन वहाँ आगे नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ पे अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, उसके बाद भी करेंगे, इसलिए अपन यहाँ पे डैश लगा रहे हैं। फोर मिथाइल, सॉरी फोर इथाइल, टू मिथाइल, और कितने कार्बन है मेन चेन के अंदर? छह कार्बन है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। ये होता है नंबरिंग करने का असली तरीका, बाकी जो बता रहे वो गलत है, इतना अच्छे से कोई नहीं बताने वाला है, और YouTube पे तो कोई नहीं बता सकता। फोर मिथाइल, फोर इथाइल, टू मिथाइल, हेक्सेन। चलो एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल ही एग्जांपल करेंगे। टेंथ एग्जांपल लिखो, ठीक है। क्या क्या मैंने 1
वन है ये, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव और सिक्स। कोई बोले मैम मुझे तो घर से स्टार्ट करनी है, ठीक है आप कर लो, सबकी बात मानी चाहिए ना, कर लेते हैं, उसमें क्या हो रहा है। वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, वन थ्री और फाइव, और यहाँ पे आ रहा है टू फोर और फाइव। कौन सा सही होगा एक बार मुझे देखकर बताओ, सोचो कि कौन सा अच्छा होगा, वन थ्री फाइव अच्छा होगा कि टू फोर फाइव अच्छा होगा। ऑब्वियसली वन थ्री फाइव अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि छोटे वाले नंबर पे सारे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे तो टू पे आ रहे हैं, फोर पे आ रहे हैं, यहाँ पे तो वन और थ्री पे आ रहे हैं, तो ऊपर वाला सही होगा। सारी बात आ गई समझ, ठीक है। अब अपन को इसकी क्या लिखनी है, नेमिंग लिखनी है। मेन कार्बन के अंदर, सॉरी मेन चेन के अंदर तो छह कार्बन है, तो ये तो पक्का हो गया कि यहाँ पे क्या आएगा, हेक्सेन आएगा। टू पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो जुड़ा हुआ है। थ्री पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। और फाइव पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर अभी मैंने आपको बताया था कि उसको अपन को अच्छे से यूज करना है। क्या अपन यहाँ पे लिख सकते हैं टू ब्रोमो थ्री मिथाइल फाइव ब्रोमो, टू क्लोरो थ्री मिथाइल फाइव ब्रोमो? नहीं, गलत होगा। क्यों? क्योंकि बी पहले आता है यार, एबीसीडी तो अच्छे से आती है ना सबको। नहीं आती तो अब मैं क्या उसका भी लेक्चर बनाऊं? बच्चों आज अपन पढ़ेंगे एबीसीडी, आज अपन पहुंच गए एलकेजी क्लास के अंदर। क्या लिखेंगे, फाइव ब्रोमो, फाइव के बाद यहाँ डैश आएगा, ठीक है, फाइव ब्रोमो। फिर क्या आ जाएगा, टू क्लोरो आएगा, फिर थ्री मिथाइल आएगा, बी के बाद तो सी आता है ना, तो क्या हो जाएगा, टू क्लोरो फिर थ्री मिथाइल, टू क्लोरो थ्री मिथाइल। और कितने कार्बन है, छह कार्बन है, थ्री क्या हो जाएगा आपका, हेक्सेन। क्या आ जाएगा, हेक्सेन। आया सबको समझ? Excuse me. फाइव ब्रोमो, टू क्लोरो, थ्री मिथाइल, हेक्सेन। तो ऐसे होती है ये नंबरिंग। चलो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगी 11th नंबर का, वो सभी बच्चे करके आएंगे। ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, होमवर्क हो जाएगा, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन सारे के सारे बहुत सारे एग्जांपल्स अभी और पढ़ना बाकी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी और समझना बाकी है। आईयूपैक तो अभी 10 दिन और चलेगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ो। और ये मैंने जितने एग्जांपल्स करवाए ना, आप उनको खुद कोशिश करोगे, खुद ट्राई करोगे, मैंने जितने भी वो कंपाउंड्स के नाम लिखवाए थे 34 कंपाउंड, उनको याद करोगे, एक करो थोड़े थोड़े दिन में, वो पूरे अच्छे से हो जाएंगे, बहुत अच्छे से सब सीख लोगे। जो नाम लिखवाए उनको खुद प्रैक्टिस करोगे, और नहीं समझ आ रहा तो वीडियो देखोगे। कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये वाला होमवर्क वाला जो क्वेश्चन दिया वो आपको सबको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगी, और आपको करके भी आना है। पढ़ते रहो अच्छे से, जेई की नीट की तैयारी कर रहे हो, प्यार व्यार के चक्कर में मत पढ़ो यार, मेरे को सब बहुत सुनने में आ रहा है प्यार व्यार के चक्कर में पढ़ रहे हैं। देखो यार ठीक है, ये एज ऐसी होती है, लेकिन वी नीड टू बी वेरी कंस्टिट्यूएंट टू आर गोल कि अपने को IIT में जाना है, अपने को एम्स में जाना है, राइट? तो बहुत सिंपल सी सारी चीज़ें होती है, ये छोटी मोटी बच्चों वाली चीज़ें। एक बार आने के बाद कुछ टफ लगता है क्या? अगर अभी मैं तुमको बोलूँ 7th क्लास की वो इक्वेशन सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल होगी ना वो इक्वेशन सॉल्व करना, तो वो उनके लिए टफ होता है। जब अपन एक क्लास ख़त्म कर देते तो वो ईजी होने लग जाते, एक बार कोई टॉपिक आ जाता है तो और ईजी होने लग जाता है। इतना अच्छे से इतनी बारीकी से मैं समझा रही हूँ, तो आप इतना तो ट्राई करो कि है ना मैम को अच्छा रिजल्ट ला कर दें। बस यही चाहूँगी कि अच्छे से पढ़ो, और ठीक है यार सब होता है, लेकिन चिल करो थोड़ा। 2 साल की बात है फिर तो कॉलेज में मज़े ही मज़े, खूब
खूब सारी छोरियाँ मिलेगी वहाँ पे तो, और लड़कों को ठीक है, लड़कियों को भी मिल जाएंगे अच्छे अच्छे ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।